नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। लॉकडाउन के चलते हर कोई घरों में बंद है, कामकाज सब ठप है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी यही हाल है। बॉलीवुड स्टार्स ना फिल्मों की शूटिंग कर पा रहे हैं और ना ही उनकी कोई फिल्म लॉकडाउन के चलते रिलीज हो पा रही है। फिल्म क्रिटिक्स की माने तो बॉलीवुड पर कोरोना वायरस लॉकडाउन का साइड इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड भी मंदी की चपेट में आ गया है। फिल्म क्रिटिक्स की माने तो माया नगरी को इस भारी संकट से उबरने में करीब 2 साल का समय लग जाएगा और तब तक के लिए बॉलीवुड सितारों को अपनी भारी भरकम फीस में कटौती करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श की माने तो उनका कहना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जल्द ही फीस कटौती होनी शुरू हो जाएगी। फिल्म बनाने में एक पूरी टीम होती है जिनको फीस देना होता है। फिल्म का एक्टर इनमें ज्यादा फीस लेता है और आने वाले दिनों में उसी एक्टर की ही फीस में कटौती होगी। समय आ गया है कि इस पर काम शुरू किया जाए। वही ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने कहा, हमारे पास फीस कटौती के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। फिल्मों का व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में बॉलीवुड सितारों की फीस कटौती के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। वही ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी के अनुसार, मनोरंजन जगत को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना वायरस के चलते मेकर्स का काफी पैसा फंसा हुआ है। एक्टर्स की फीस कटौती से ही स्थिति कुछ सामान्य की जा सकती है। आपको बता दें कि सलमान खान, अक्षय कुमार, वरुण धवन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारे अपनी एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। वही कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस भी एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ फीस लेती। तो ऐसे में इन स्टार्स को आगे चलकर अपनी मोटी फीस के साथ कुछ सालों तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, लॉकडाउन में फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए स्टार्स को वाकई में अपनी फीस में कटौती करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।